डॉक्टर नूर अहमद साहब फरमाते हैं, उससे किसी ने पूछा कि एक आदमी ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और आपके इस डॉक्टरी का जितना भी कैरियर है इसमें ऐसा कोई अनोखा वाकया आपके सामने आया है? तो डॉक्टर नूर अहमद साहब ने फरमाया कि हाँ, मुझे 40 साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए, इसमें एक वाकया ऐसा पेश आया है जो अभी भी मेरे जहन पर वो सवार है, मैं अभी भी उसको भूल नहीं सकता। उसने पूछा कि वो क्या वाकया है? डॉक्टर नूर अहमद साहब ने फरमाया कि एक लड़के को लाया गया एक मर्तबा हॉस्पिटल में। जब उसको लाया गया तो हॉस्पिटल में उसको हमने दाखिल कर दिया और वो ऐसे वार्ड में पड़ा हुआ था कि उस पे पूरे 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आ जाता था कि वो ऐसे चीखे मारता था, चीखे मार मार कर वो पूरे अस्पताल को परेशान करता था। और एक ऐसा हुआ कि एक दिन उसने इतने चीखे लगा रहा था और उसका खतरनाक किस्म का आवाज वो निकालता था, तो चीखे मार मार कर वो सारे जितने भी वार्ड में मरीज थे या उसके साथ कोई इयादत के लिए आते थे ना, उसके बीमार कुर्सी के लिए जो लोग आते थे वो भी भाग जाते थे। तो एक दिन इस तरह किया तो फिर डॉक्टरों ने मशवरा किया कि 2 दिन वार्ड में गुजारने के बाद डॉक्टरों ने मशवरा किया कि इसको किसी साइड के कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इन दूसरे बीमारों को इससे तकलीफ ना हो। तो उसके वालिद साहब से मैंने पूछा कि इसको हुआ क्या है? वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको जहर का टीका लगाओ और जहर का टीका जब लगाओगे तो दुनिया से चला जाएगा, इस अजाब से तो ये इसकी जान छूट जाएगी। मैंने पूछा कि हुआ क्या है? उसने कहा कि ये हमारा बेटा है और इसकी वालिदा जब जिंदा थी तो वो इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और जब उसके साथ मोहब्बत करती थी तो हमने इसकी शादी कर ली। जब शादी कर ली, बीवी जो है घर में आ गई, तो बीवी के आने के बाद इसके तेवर जो है वो तब्दील हो गए। जब ये काम से आता था तो इसकी बीवी मेरी बीवी से लड़ती थी, उसकी वालिदा से, तो दोनों के दरमियान जो है वो सुलह कराने के बजाय ये अपनी बीवी की तरफदारी करता था। हत्ता कि एक दिन ऐसा आया कि इसने अपने वालिदा पर हाथ उठाया और को मारा। जब मारपीट इसने शुरू की तो उस दिन से क्या हुआ कि जब मारपीट शुरू की तो उस दिन से जब वालिदा मर गई वो रोती थी और सिर्फ कुछ नहीं कहती थी, बद्दुआ शायद के दिल में उसने बद्दुआ की हो। बस उस दिन से वालिदा जब फोत हो गई है उसके कुछ वक्त के बाद ये इस बीमारी में मुफ्तला हो गया और जितने भी हमसाये थे जब भी ये चीखे मारता था तो वो भाग जाते थे। तो अब जब हम इस अस्पताल में यहाँ पर लेकर आए हैं हॉस्पिटल में, तो जब ये चीखता है तो लोग इससे दूर भागते हैं, तो इस वजह से तो डॉक्टर अहमद साहब ने फरमाया कि मैंने अपने डॉक्टरी के कैरियर में इससे खतरनाक तरीन जो है वो मरीज नहीं देखा, इतना खतरनाक मरीज था वो।